हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिम्रान दस्य ज्ञानंजन श्लाक्य चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवै नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वप्रदान्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासति गौर भक्तवंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज बहुत ही पवित्र तिथि है, देव शयनी एकादशी, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज पंढरपुर में भी भगवान विट्ठल के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं और मेरा ठाकुर सज धज के विराजमान है। और हम सब अवश्य आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं और मेरे हरि की कृपा से आज सत्संग सुनने का सौभाग्य हम सबों को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि कल मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, सर्व गुयतमम भूय श्रृणु मे परम वचः इष्टो असीमे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कृष्ण यहां बार 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 ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, पहली बात तो यह है कि परम वचन सुना रहा हूं, परम परमम वचः, परमम वचः। एक बात सुनो, भगवान कहते हैं कि इसके बाद मेरे पास कहने का और कुछ नहीं है, ये मेरे सर्व उत्तम वचन है, यानी टॉप मोस्ट। मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात आप सुनिए और समझिए, प्लीज प्लीज प्लीज। सत्संग जो है, कुछ लोग तो सुन लेते हैं, सुनते बहुत सारे लोग हैं, पता है, उसमें से कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग चलते हैं, तो रिजल्ट तो उनको ही आएगा ना जो चल रहे हैं। और चलना, कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं आखिर कृष्ण? मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कह रहे हैं सर्व गुयतमम भूय श्रृणु मे परमम वचः इष्टो असीम। अरे भाई, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, कृष्ण कह रहे हैं,
और हम कृष्ण के प्यारे क्यों ना हो। एक बात आप लोगों को बताऊं, ये उंगली आपको प्यारी है, ये उंगली आपको प्यारी है, उतनी ही आपको उंगली प्यारी है जितना ये हाथ प्यारा है। ये उंगली आपको उतनी ही प्यारी है जितना आपको ये पंजा प्यारा है, और जितना पंजा प्यारा है उतना बाजू प्यारा है, और जितना बाजू प्यारा है इतना ये पूरा हाथ प्यारा है, जितना हाथ प्यारा है उतना ये पूरा शरीर प्यारा है। समझ रहे हो? ये उंगली आपको क्यों प्यारी है कि ये आपके हाथ का हिस्सा है, और ये हाथ आपको क्यों प्यारा है कि वो आपका हिस्सा है, आपके शरीर का हिस्सा है। ऐसे हम कृष्ण को क्यों प्यारे हैं बताओ? क्योंकि हम कृष्ण के हिस्से हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम कहें तो ऑथेंटिटिव नहीं हो सकती, ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ममेव अंश जीव लोके, है ना, ममेव अंश जीव लोके, भगवद गीता 15वां अध्याय। ममेव अंश जीव लोके, ये सारे जीव, इस लोक के जीव मेरे अंश हैं। इस लोक के जीव मेरे अंश हैं। तो इतनी बात याद रखो कि जितने प्यारे स्वयं कृष्ण को कृष्ण हैं, उतने ही प्यारे हम हैं, क्योंकि हम उनके हिस्से हैं। तो पहले तो आप इस बात को सुन के ही प्रसन्न हो जाइए कि आप कृष्ण के हिस्से हैं, कृष्ण के अंश हैं। You are the part and parcel of Krishna. आप कृष्ण के हिस्से हैं। और हम कृष्ण के हिस्से हैं, कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कृष्ण हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कृष्ण स्वयं से प्यार करते हैं। हम अपने हाथ से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम पूरे शरीर से करते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि मैं तो कृष्ण का हूं, उस दिन हम एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसका परिणाम दुखों के अंत में हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। उस मार्ग पे दुखों का अंत हो जाएगा। उस मार्ग पे चलते चलते क्या होगा? पुनर्जन्म न विघ्नते, दूसरा जन्म नहीं हो सकता है। जिस दिन हमने सोच लिया मैं कृष्ण का हूं, और यहां पर कृष्ण ने भी कहा तुम मेरे हो, मेरे अंश हो, और अंश होने के नाते मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तभी तो कहा इष्टो असि में, तुम मेरे इष्ट हो, मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे हो। मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझिएगा। इंसान बड़ा होते 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 बड़े होते 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 एक दिन थक जाता अपने बड़ेपन से, बात समझ रहे हैं? बड़े होते 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 ना अपने बड़ेपन से थक जाता है, और वो फिर से छोटा होना चाहता है, अपने अंदर का छोटा बच्चा फिर से चाहता है उसको।
प्यार करे, उसके सर पे कोई हाथ रखे, उसको पैम्परिंग करे, क्योंकि वो बड़ा हो कि याद रखना, घर में जो सबसे बड़ा होगा ना, वो उतना ही थका हुआ होगा। अपनों से और अपने आप से, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है ना घर में कि फिर उसको तो सबको प्यार करना पड़ता है, लेकिन उसको कौन प्यार करे, वो तो सबसे बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? या किसी भी संस्था का बड़ा, उसको सारी संस्था को, संस्था के सारे लोगों को, सदस्यों को प्यार करना पड़ता है, लेकिन वो तो सबसे बड़ा है, उसको सबका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको सारे घर के सदस्यों को ध्यान रखना पड़ता है। तब एक दिन वो बड़ा हो के थक जाता है, फिर से वो छोटा बच्चा बनना चाहता है। मेरी माता बहनों, मित्रों, ये हमारा स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। हम चाहते हैं हमें कोई प्यार करे, हम चाहते हैं कोई हमारी पैम्परिंग करे, हम चाहते हैं कोई हमें दुलार करे। जब हम बहुत बड़े बन जाते हैं ना, फिर वो हमारे अंदर का बच्चा फिर से जाग जाता है। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि फिर हमसे, हमारी जिम्मेदारियां हमें फिर से बच्चा बनने या छोटा बनने को नहीं देती। फिर वो बड़ा बड़ा ही रहता है। मेरी माता बहनों, मित्रों, यहां पर कृष्ण उस अंदर वाले छोटे बच्चे को प्यार करते, कहते इष्टो असि में, तुम मेरे प्यारे हो। तो याद रखिए, आपके अंदर वाला जो छोटा बच्चा है ना, उसको कृष्ण बहुत प्यार करता है। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई प्यार करने वाला हो, और मीनवाइल वो किसी ना किसी को प्यार करता है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। वो चाहता है उसे कोई प्यार करे, और उसी समय वो भी किसी को प्यार करना चाहता है। ये जीव का स्वभाव है, प्रेम करना और प्रेम पाना। ये हमारा स्वभाव है, प्रेम करना और प्रेम पाना। लेकिन हम देखते हैं कि यहां कोई भी संपूर्ण रूप से किसी को प्रेम नहीं कर पाता है, और ना ही संपूर्ण रूप से कोई किसी का प्रेम प्राप्त कर पाता है। समय के साथ 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 वो रिश्ता होना तो ये चाहिए कि पक्का होता चला जाए, लेकिन समय के साथ 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 वो रिश्ते कच्चे होते चले जाते हैं। और एक वक्त आता है जब मात्र निभाना रह जाता है, क्योंकि वो रिश्ते में, उस रिश्ते की चार्मिंग चली जाती है। मेरी माता बहनों, मित्रों, हमारा और कृष्ण का जो रिश्ता है वो अनादि काल से चला आ रहा है, और कृष्ण हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आदि काल में करते थे, जितना अभी करते हैं, और जितना आगे भी करेंगे। उनके रिश्ते से हमारे प्रति उनकी चार्मिंग कभी नहीं चलना चाहती, वो रिश्ता वैसा ही रहता है। और उसी रिश्ते के नाते कृष्ण कहते, देखो तुम बहुत 84 लाख में भटक चुके हो, अब तुम्हें मिला है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म में तो तुम मेरी सुनो, तुम जब पशु थे तब भी तुमने मेरी नहीं सुनी, तुम जब पक्षी थे तब भी तुमने मेरी नहीं सुनी, तुम जब कीट थे, कीड़े मकोड़े थे, तब भी तुमने मेरी नहीं सुनी,
तुम जब जल में जलचर बने तब भी मेरी नहीं सुनी, तुम जब रेंगने वाले बने तब भी तुमने मेरी नहीं सुनी, तुम उड़ने वाले बने तब भी नहीं सुनी, जब तुम चार पांव से चलने वाले बने तब भी नहीं सुनी, जब तुम पानी में तैरने वाले बने तब भी नहीं सुनी, अब तो तुम मनुष्य बने हो, अब तो तुम मेरी सुन लो हो। इसीलिए कृष्ण करे सर्वगुहतम भूयश्रु मैं परमम वचः, अब तो मेरे परम वचन सुन लो। अब तो मेरे परम वचन सुन लो। कृष्ण कह रहे ये सबसे आखिरी बात है मेरी, लास्ट, सबसे अंतिम निर्णय मेरा ये है, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। मेरी माता बहनों मित्रों, कभी भगवान किसी का बुरा कर सकता है? नो। तो ये हमारे हित के लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, मन मना, तुम मेरा मनन करो, अर्थात तुम्हारे जीवन में जैसे तुम मेरे इष्टो, कृष्ण कहते इष्टो असी में, जैसे तुम मेरे इष्टो है जीव, ऐसे मैं भी तुम्हारा इष्ट होना चाहिए। इसलिए हमारा इष्ट कौन है बताओ? कृष्ण, श्री राधे। हमारा इष्ट कौन है? कृष्ण, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, श्याम सुंदर, राधा वृंदावन चंद्र हमारा इष्ट, राधा गोविंद हमारा इष्ट, मुकुंद माधव मुरारी, श्री हरि कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये है हमारा इष्ट। आपका भी होना चाहिए, हम सबों का इष्ट होना चाहिए कृष्ण। आ रही समझ में? क्योंकि संसार में जो आज कहते हैं ना आई लव यू, अवश्य एक दिन वही कहेंगे आई हेट यू। और तब हमारा दिल बड़ा दुखेगा और टूटेगा, बड़ी तकलीफ होगी। कृष्ण हमारा दिल कभी नहीं तोड़ सकते। वो कहते इष्टो असी में, तुम मैं बहुत प्यार करता हूं, अरे जीव तुम मेरे इष्ट हो। देख लो भगवत गीता 18वां अध्याय 64वां श्लोक आप पढ़ लो, सर्वगुहतम भूयु शृणु मे परम परम वचः, इष्टो असी में द्रढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये जो भी कह रहा हूं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, अर्थात ये जो भगवत गीता है ना हमारे भले के लिए आई है, हमारे हित के लिए आई है, हमारे कल्याण के लिए आई है। हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए आई है। और इसी में हमारा परम कल्याण है। किसमें परम कल्याण है? कृष्ण कहते हैं मेरी बात सुन लो, और आगे जाते कहते मन मना, उस मेरी बात को मान भी लो। खाली सुनो नहीं, मानो, और खाली मानो नहीं, चलो, मतलब मेरे भक्त बनो। भव मद भक्तो, सुनो मानो, श्रुणु 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 मतलब सुनो, मन मना मतलब मानो, भवन भक्तो मतलब मेरे भक्त बनो। सुनो मानो और उस पर चलो, तीनों चीजें करो, सुनो मानो और चलो, श्रुणु सुनो, मन मना मानो, भव मद भक्तो चलो मेरे भक्त बनो। अंत में लक्ष्य क्या है? स्टार्टिंग कहां से हुई, आरंभ कहां से हुआ? सुनने से। बीच में क्या आया? मानना। और फिर क्या हुआ? चलना, मतलब भक्त बनो, भव मद भक्तो, कृष्ण के भक्त बनो।
इसी बात को हम आगे चलाएंगे कल, लेकिन आज कृष्ण के भक्त होने के नाते एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी, शाइनी एकादशी, आज पद्मा एकादशी भी कहते हैं इसको। चलो एकादशी की थोड़ी आज की कथा सुन लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि आप सब कृष्ण भक्तों, आप सब कृष्ण भक्तों जो भी सुन रहे हो कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे के प्यारे हो, और मेरे प्यारे के प्यारे हो इसलिए रोज मैं आपकी सत्संग के माध्यम से सेवा करता हूं। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, ये आषाढ़ महीने की जो एकादशी आती है उसके विषय कुछ समझाइए। देव शनि एकादशी जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसके विषय कुछ समझाइए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, अरे वाह, कृष्ण 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 सुनते ही आनंद आता है। मैं जब भी सुनता हूँ कृष्ण, राधा रानी, वृंदावन, आनंद आने लगता है। आनंद आने लगता है, बोलिए ना, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे। तो कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, पौराणिक कथा सुनाता हूं, जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी, वो कथा आपको सुनाता हूं। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद ने प्रजा के पिता और अपने पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा कि आप मुझे आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा है वो लोक हित के लिए, क्योंकि एक वैष्णव भगवान का भक्त हमेशा सबों का भला चाहता है, सबों का भला चाहता है, सबों का कल्याण चाहता है। भगवान का भक्त चाहता है सब जीवों का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला, सबकी खैर, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी भी है, इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, और आज से चतुर्मास से भी आरंभ हुआ है, जो बहुत भक्ति के लिए है और भक्ति के लिए उपयुक्त ये समय माना जाता है, भजन के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है चतुर्मास, चतुर्मास की सेवा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल में राजा मानधाता था, बहुत धार्मिक राजा था मानधाता, उसके राज्य में सब सुख आनंद शांति, हर और खुशहाली, प्रगति, राजा के पास कोई धन की कमी नहीं, ना ही प्रजा के पास, सब सुख से जी रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि राज्य में अकाल पड़ने लगा, बरसात बरसना बंद हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जमीन सूखने लग गई, पानी की एक बूंद बरसती नहीं थी, और लोग दुखी होने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता अनाज का भंडार जो लोगों के पास था वो समाप्त होने लगा, खत्म होने लग गया,
लोग भूखे मरने लग गए और बहुत तकलीफ में आए, तब सारे लोग अपने राजा के पास गए। क्योंकि याद रखना, राजा भी भगवान का ही स्वरूप माना गया है भगवद गीता के अनुसार, इसलिए सब राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, महाराज हमारे राज्य में अकाल हो गया है, भूखमरी आ गई है। तब राजा ने कहा, मुझे ये अकाल के कोई कारण दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना राज्य ईमानदारी से चलाया, धर्म से चलाया और धार्मिकता से चलाया है। फिर क्या कारण है कि अकाल पड़ गया? राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। याद रखना, आपका अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में आपको सही समझ दे सकता हो, हर बात में हाँ ना मिलाता हो, आपको सही समझ दे सकता हो, सही गाइडलाइन दे सकता हो, सही मार्गदर्शन दे सकता हो। और याद रखना, जब आपके अपने कभी आप पे क्रिटिसाइज करें ना, तो सुन लिया करो, बुरा मत माना करो। जब आपके अपने आप पे क्रिटिसाइज करें ना, तो सुन लिया करो। अपनों की क्रिटिसाइज सुनोगे ना, तो परायों की नहीं सुननी पड़ेगी, और अपनों की नहीं सुनोगे तो दूसरों की सुननी पड़ेगी। और दूसरे जब सुनाते हैं ना, तो मिर्च मसाला डाल के सुनाते हैं। इसलिए जब अपने कोई क्रिटिसाइज करे, तो उसको धैर्य से सुन लिया करो और उसको मान लिया करो। समझ में आ रही बात? नहीं तो, अरे तुम्हारी हिम्मत मुझे क्रिटिसाइज करने की? नहीं, सुना करो, वो आपके अपने हैं, आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे। आपके माँ बाप, आपके पति पत्नी, आपकी औलाद, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका सब भला चाहते हैं। इसलिए अपनों के सामने अहंकार नहीं होना चाहिए, प्लीज। इसलिए राजा को अपने मंत्रियों की मंत्रणा मशवरे समझ में आए और वो जंगल में चल पड़े अपने मंत्रियों के साथ किसी महापुरुष की खोज में। गहरे जंगलों में घूमते 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 एक ऋषि के आश्रम में, राजा अंगिरा मुनि का आश्रम था, वहां राजा मानधाता पहुंचे। अंगिरा ऋषि की दिव्य विभूति याद रखना, जो वास्तविक महापुरुष होते हैं ना, उनके संग रहने से आनंद आता है, उनका संग करने से शांति आती है, उनका संग करने से खुशी आती है, मन विचलित नहीं होता, मन शांत होता है, आनंद आने लगता है। धूप में साए का एहसास है, धूप में साए का एहसास है। सुनो, ये अभी अभी आया है। धूप में साए का एहसास है, इसलिए सदगुरु खास है। ऐसा धूप में साए का एहसास है, इसलिए सदगुरु खास है। धूप में साए का एहसास, ऐसे होते हैं महापुरुष, सतगुरु ऐसा होता है। इसलिए अंगिरा ऋषि के दर्शन किए, राजा के मन को शांति हुई। अंगिरा ऋषि ने पूछा, क्या कारण है आने का? राजा मानधाता ने कहा, महाराज
मेरे राज्य में सब सुख शांति आनंद है, परंतु अकाल पड़ गया, अकाल से धरती सूख गई है, अनाज नहीं उग रहा है और मेरी प्रजा बहुत दुखी और कष्ट पा रही है। आप कोई कृपा करके उपाय बताएं। कहते हैं ना, संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। कितनी अच्छी बात है ना। धूप में सांस है इसलिए सदगुरु खास है। श्री राधे, इसलिए राजा ने कहा मेरे राज्य में बहुत अकाल पड़ गया है और तकलीफ में पड़ जा। तब अंगिरा ऋषि ध्यान में गए और अंगिरा ऋषि ने ध्यान में कहा कि देखो राजा, तुम्हें तुम्हारे राज्य में एक डिसक्वालिफाइड पर्सन, मेरा शब्द ध्यान दीजिएगा, डिसक्वालिफाइड पर्सन, अयोग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति नहीं है, योग्य व्यक्ति, डिसक्वालिफाइड पर्सन हवन कर रहा, यज्ञ कर रहा है और उसका रिएक्शन आ गया है ये सारा। जैसे सोचिए, एक व्यक्ति जो डिसक्वालिफाइड है और जो क्वालिफाइड नहीं है और वो ऑपरेशन करेगा तो पेशेंट जिंदा रहेगा, वो तो मरना ही है, रिएक्शन तो यही आएगा। या एक डिसक्वालिफाइड डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है, जो डॉक्टर ही नहीं है, किसी को दवाई दे दे तो वो तो रिएक्शन आएगा। इसी तरह से एक डिसक्वालिफाइड व्यक्ति अगर हवन यज्ञ करे, अयोग्य व्यक्ति, तो उसका तो रिजल्ट आएगा, गलत आएगा। तो हे राज, उस व्यक्ति को समाप्त कर दो ताकि ये सारा काम खत्म हो जाए और तुम्हारे राज्य में आनंद हो जाए। राजा मानधाता बहुत दयालु थे, अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह प्रेम करते थे। कहा महाराज, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा कि मैं उसे मारूं, उसकी हत्या करूं, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा, कृपा करके कोई और उपाय बताइए। तब संत ने कहा अगर और उपाय है तो सुनो। पहली बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे दया भाव से बहुत प्रसन्नता हो कि तुमने कहा मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। तुम्हारा ये भाव देखकर अपनी प्रजा के प्रति मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और तुम बहुत दयालु हो राजा, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बहुत आशीर्वाद तुम्हारे लिए। अब एक काम करो, तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में खुशहाली आए, आनंद मंगल, धन धान्य, सुख शांति हो, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जो पाप राज्य पे चढ़ा है वो भी समाप्त हो जाएगा, जो दुष्प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार राजा मानधाता और उसकी पूरी प्रजा ने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की अर्थात आज की एकादशी आने पे बहुत भाव और भक्ति से व्रत किया। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, अनाज भरपूर आने लग गया, फसलें लहलहाने लग गई और खुशहाली हो गई, धन धान्य आ गया और आनंद और मंगल हो गया है। आज की एकादशी ऐसी सुख देने वाली है, पाप को नाश करने वाली है, पाप की समाप्त करने वाली है, पापों का मूल से समाप्त करने वाली आज की एकादशी है। इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, अवश्य आपने आज की एकादशी रखी होगी, हरि कथा कीर्तन आप करोगे, भजन करोगे, भगवद गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, तुलसी पूजा करोगे, गौ पूजा करोगे, जो आपसे हो सके के करोगे, कल व्रत का पारण करोगे। आज की ये कथा पढ़ने और सुनने वाला भी बहुत सौभाग्यशाली होता है और उसका पाप समाप्त होते हैं। मेरे ठाकुर की कथा, मेरे ठाकुर का कीर्तन और मेरे ठाकुर का नाम इतना पवित्र है
इतना पवित्र है कि सब जीवों का कल्याण हो जाता है। आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे हरी कथा के साथ। द्वादशी के दिन आज भजन कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा। मैं आशीर्वाद प्रार्थना जो भी समझिए रोज़ आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरा ठाकुर आपको सुरक्षित रखे, आप सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कोरोना की महामारी से आप, आपका परिवार सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे, धरती सुरक्षित रहे, इस मनोकामना पे आज के सत्संग को विराम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।